फ्रेंड्स, आज हम तापक्रम का व्युत्क्रम की बात करते हैं। तापक्रम का व्युत्क्रम से अभिप्राय यह है कि हम अगर देखें, जनरली ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में हम देखते हैं, घाटियों में तापमान ऊंचाई के जाने पर बढ़ने लगता है। ये तापमान का बढ़ना तापक्रम का व्युत्क्रम कहलाता है। ये तापक्रम का व्युत्क्रम कहाँ होता है? ये पर्टिकुलर पहली कंडीशन शीतकालीन रात, यानी सर्दियों के दिनों में ठंडी रात होगी। दूसरा, स्वच्छ आकाश, यानी आकाश में बादल नहीं होने चाहिए। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हवाएं पर्वत के ऊपर, जो हवाएं जो दिन में गर्म हो जाती है, गर्म हवाएं नीचे की तरफ आती है और नीचे आकर तलहटी में क्या करती है, जो नीचे वाली हवाएं हैं उनको ऊपर की तरफ बढ़ा देती है। तो ये जो यहाँ पे सर्दियों के रात्रि के समय में यहाँ तापमान कम होने के कारण ये ठंडी हो जाएगी, ये हवाएं नीचे की तरफ जाएगी और तलहटी वाली जो दिन में गर्म हो रखी थी वो गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो ये जब गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो तलहटी में तापमान कम हो जाता है, यानी 20 डिग्री, और ऊपर जब बढ़ते हैं 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये घाटी के अंदर जो ये इस स्लोप में यहाँ जो तापमान बढ़ता है इसे हम तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग मकान अपने इन तलहटी में ना बनाते, ढाल पे बनाते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया तापक्रम का व्युत्क्रम।